by proper compliance. This is very important to know that कि हमको ये बात जान लेनी चाहिए कि इसमें डर की कोई बात नहीं है. अगर कोई इन्फेक्टेड है वो अपना इलाज कराए, वो बिल्कुल नियर नॉर्मल है. एक बार पहला केस ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में जब कन्फर्म हुआ, वहां वो कोई एम्बेसडर था किसी अफ्रीकन कंट्री का, वहां के सारे सारे डॉक्टर और सारे स्टाफ उस मरीज को छोड़ के भाग गए. इतना डर उन लोग को मन में आया, इतना पैनिक हुआ. एम्स दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं. फर्स्ट केस जब यहां हिंदुस्तान में डायग्नोसिस हुआ तो उसको देखते ही भी लोगों को पसीना छूट गया. लोग ऐसे भागे कि अगर इसको देख लेंगे तो हमको हो जाएगा. जैसे COVID-19 के समय ऐसा ही हुआ. लोग मतलब अपने जितने भी रिश्ते जो है, रिश्ते नाते तार तार हो गए जब लोग डेड बॉडी को छोड़ के भाग जाएंगे. शमशान घाट में देखने को मुझे मिला ऐसा. तो भाई अगर हम जलाएंगे, छू देंगे तो हमको कोविड हो जाएगा. उसी तरह एड्स के बारे में था, जो कि गलत बात है. अब आइए कि अगर किसी को अगर इससे जुड़ी हुई क्या क्या भ्रांति है, ये ट्रांसमिशन कैसे होता है. सभी जानते हैं कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स द वन कहते हैं हेट्रोसेक्सुअल ट्रांसमिशन. मेल फीमेल अनप्रोटेक्टेड जो सेक्स करते हैं, असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं किसी भी इन्फेक्टेड महिला या पुरुष से, उनको HIV इन्फेक्शन होने का डर रहता है. दिस इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, देयर आर अदर सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन. जैसे कि अगर इन्फेक्टेड ब्लड है किसी को चढ़ गया उसको हो जाएगा. आर्थर एस वॉज द विमिंगटन चैंपियन, ही गॉट द HIV इन्फेक्शन थ्रू द कॉन्टेमिनेटेड ब्लड टेस्ट. एंड उसने भी जिंदगी में बाकी समय में एड्स के अगेंस्ट में बहुत मतलब की वॉज एस चैंपियन इन्फेक्ट. मेनी आर द इनोसेंट विक्टिम्स ऑफ इज नॉट दैट कि अगर किसी को HIV इन्फेक्शन हुआ तो दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं से हो गया है. नो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज अनदर वे, अनदर मॉडलिटी ऑफ ट्रांसमिशन. तीसरा है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा केसेस कहां है मालूम है? मणिपुर में. क्यों? वहां क्या सोसाइटी बहुत फ्री है? नहीं, वहां पर एडिक्शन है. इंजेक्शन, एथिडीन, मॉर्फिन, यंग एडल्ट, लार्जेस्ट नंबर ऑफ केसेस दे आर एडिक्ट. कंटेमिनेटेड नीडल्स अपने भोगते हैं दूसरे को. देखा जाए तो एड्स का ट्रीटमेंट जो है प्रिवेंशन ही है. एड्स का ट्रीटमेंट जो है प्रिवेंशन है, इसका बचाव ही इसका मतलब इलाज है एड्स का. और अगर हम ये जान जाते हैं कि एड्स कैसे होता है, क्यों होता है. किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, सैलून आप जाते हो और आपने ब्लेड अगर चेंज नहीं, आप इंजेक्शन लेते हो, आपने डिस्पोजेबल सीरिंज नीडल नहीं यूज किया. ये टैटूइंग का जो फैशन है, दिस इज अनदर हाई रिस्क. अवॉइड द हाई रिस्क बिहेवियर बिकॉज ये जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा. समझ रहे ना? यू मस्ट अवॉइड, नेवर ट्राई टू इंडल्ज इन दोस काइंड ऑफ थिंग्स जहां पर जिंदगी खतरे में है. नेवर एवर कंप्रोमाइज. हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. धन्यवाद.